बहादुरगढ़ की शांति के लिए बहादुरगढ़ चैम्बर की तरफ से एक ये हवन यज्ञ का प्रोग्राम करा गया है, जिसमें कि हमारा बहादुरगढ़ खुशहाल रहे, पूरा देश खुशहाल रहे। लेकिन क्योंकि जब जब किसानों और सरकार की समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र बहादुरगढ़ करता है, और जैसा कि बहादुरगढ़ में पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री है और सब इंडस्ट्री को माल दिल्ली भेजना होता है, जब बॉर्डर सील हो जाता है तो सारा माल ठप हो जाता है, फैक्ट्रियों में माल रखने की जगह नहीं होती, तो पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है, पूरी लेबर को जब प्रोडक्शन बंद कर दी जाए तो लेबर को कहाँ लिया जाए, तो इसलिए बहुत बड़ी एक इतनी बड़ी समस्या है। तो हम आज का जो हवन का हमारा था, परमात्मा सद को सद्बुद्धि दे, सरदार हमारे भाई जो हैं किसान लोग हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, और सरकार को भी, क्योंकि कोई भी किसी भी समस्या का हल मिल बैठ के होता है, ऐसे रोड जाम करने से या इस तरीके से कोई समस्या का हल कभी नहीं होता, इसके सिवाय नुकसान भी होता है, और इस आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है और मेरे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि सारी इंडस्ट्री आप लोगों के भी साथ है और सरकार के भी हम साथ हैं, और इन दोनों से, सरकार से और किसान भाइयों से अपील करते हैं कि टेबल पे बैठ के समस्या का समाधान निकलते होते हैं, कभी इस तरीके से जाम लगाने से और लोगों की परेशान करने से तो कभी कोई समाधान नहीं निकलते होते। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो टेबल पे बैठ के इस समस्या का हल करें, और ये क्योंकि बहादुरगढ़ एक बॉर्डर पड़ जाता है तो ज़्यादा सफ़र बहादुरगढ़ को करना पड़ता है, तो इसके लिए आज बहादुरगढ़ की शांति के लिए यहाँ कोई असामाजिक तत्व कोई गलत काम ना करे, और हमारा बहादुरगढ़ जिस तरीके से पहले फल फूल रहा है और दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की से फूले, ये हमारी प्रभु के चरणों में शुभकामना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हवन हो रहा है, ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए हो रहा है। जैसा कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, 300 दिन या करीब एक साल 17 दिन वो आंदोलन चला था, और सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो शांतिपूर्ण बातचीत तरीके से हल निकले। फिर भी अगर वो हल नहीं निकलता है तो प्रशासन से हमारी मांग है कि किसानों को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर ना बैठने दिया जाए, उनकी आड़ में असामाजिक तत्व बैठते हैं, शहर में अशांति का माहौल फैलता है, नशाखोरी और चोरी चकारी बढ़ती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।